पर्सन है, माइंड फर्स्ट पर्सन है, तो आई का जो प्लूरल होगा वो वी होगा, मी का अस, माई का अवर, माइंड का अवर्स, सेकेंड है ठीक है, फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर और ये प्लूरल है। इसी तरह सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का ये सिंगुलर और प्लूरल है। दाओ, दाओ का मतलब होता है तू, तू का वर्ड जो है अब अच्छा नहीं समझा जाता, अब इसका इस्तेमाल खत्म हो गया है, तो इसका प्लूरल जो है वो ये है। दी, दी का प्लूरल भी यू है। दाई, दाई का प्लूरल योर है। थाइन, थाइन का प्लूरल भी योर्स है, ठीक है। ये सारा इस्तेमाल जो है तकरीबन वो वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल जो है अब खत्म हो चुका है। सेकंड पर्सन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ यू इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? यू, ठीक है। और यू का प्लूरल क्या होगा? योर, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन में भी इसमें आता है। मैस्कुलिन फेमिनिन, ही मैस्कुलिन है और शी फेमिनिन है। और कॉमन जेंडर जो है, कॉमन या न्यूट्रल जेंडर जो है वो इट आता है। और इन सब का जो प्लूरल है, ही शी इट का प्लूरल जो है वो दे है, ठीक है। हिम हर इट, इसका प्लूरल जो है वो देम है। हिज हर इट्स, इसका प्लूरल देयर है। और हिज हर्स देयर्स, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन के जो 1, 2, 3 कॉलम इसमें दिए गए, इन सब का जो प्लूरल है वो यहाँ पर मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आप देखें पेज नंबर 15 है। नंबर ए है, पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउन एक्सेप्टिंग द पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेंशन ऑफ व्हाट काइंड पॉसेसिव प्रोनाउन, व्हाट काइंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन ईच इज एंड इट्स नंबर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अंडरलाइन करना और ये बताना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। नंबर वन देखें, यू, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप अ प्रॉमिस। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है और हम इसको प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। तो देखें मैंने प्लूरल लिखा हुआ है। नंबर सेकंड है, यहां पर है इसी लाइन में, सेकंड लाइन पे देखेंगे यू दोबारा आ रहा है।